दोस्तों आज है हम हर की पैड़ी हरिद्वार में और आज हम आपको घुमाएंगे हर की पैड़ी हरिद्वार, ताकि जब भी आप हरिद्वार आओ तो आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो घूमने में। और यार सच बताऊं, यहाँ का वेदर और यहाँ का जो गंगा जी है बहुत ही सुकून भरा एरिया है, और साथ ही साथ में यार बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर घूमकर। क्यों मोनी जी, सही बात है ना? बहुत अच्छी जगह है ट्रैवलिंग करना है अगर आपको, तो हरिद्वार एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। आप यहाँ आके अच्छे से ट्रैवल कर सकते हैं और अच्छी अच्छी जगह का आनंद ले सकते हैं। और साथ साथ में हम आपको पूरा शूट करके दिखाएंगे कि हर की पौड़ी आखिर कैसा है, तो हम आपको आगे ले चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, और इस साइड में आपको दिखेगा कि कितना ही कमाल का आपको वेदर दिख रहा है। और साथ साथ में देखिएगा कि इस तरीके से आप यहाँ पर यार आप भी स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर लोग नहाने के बाद कपड़े सुखा रहे हैं, और यहाँ पर हमारी मोनी जी है। और अभी हम चलेंगे उस साइड यानी कि दूसरी साइड, ताकि हम आपको दूसरी साइड का जो है आपको दिखा सकें कि किस तरीके से आपको वहाँ पर जो है लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं। तो चले चलते हैं पल्ली पार। दोस्तों अभी है हम पुल के ऊपर, देख सकते हैं आप, और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम दूसरी साइड जाएंगे पुल से, और यहाँ पर आप देखेंगे कि सामने जो है लोग स्नान करते हैं, और साथ साथ में देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर आपको पुल भी दिख जाएंगे जिससे कि लोग आर पार जाते हैं। और देखिएगा इस तरीके से यहाँ पर जो है लोग स्नान करते हैं, और यहाँ पर गंगा का अगर आप देखेंगे, अगर मैं आपको गंगा दिखाऊँ तो यार सच में बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको माहौल मिलता है। और साथ साथ में देखिएगा यहाँ पर धर्मशाला आपको मिल जाएंगे, होटल्स मिल जाएंगे, और जहाँ पर आप ठहर सकते हैं बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। और एक बात आप याद रखें, जब भी आप आएँ तो यार स्नान करके यहाँ पर ज़रूर जाएँ, ताकि आपको यहाँ पर बहुत ही अपने आप को, कहते हैं कि यहाँ पर स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और एकदम शरीर में एक नई ऊर्जा सी आ जाती है यहाँ पर नहाने से। तो आप जब भी हरिद्वार आएँ ज़रूर यहाँ पर एक बार डुबकी, गंगा डुबकी ज़रूर लगाएं। अभी दोस्तों हम हैं पुल के ऊपर, और यहाँ पर देखेंगे कि एक बाबा जी हैं, बहुत सारे सिक्के हैं जो कि बहुत ही पुराने, बहुत ही सालों पुराने सिक्के हैं। यहाँ पर बेसिकली ये चढ़ावा चढ़ता है मंदिर में, कहा जाता है। बाबा जी इन सिक्कों का आखिर करते क्या है? ये पूजा पाठ में काम आते हैं, और कई मंदिरों में नहीं जा सकते जो वो अपने साथ में अपने परस वरस में रखते हैं। हाँ हाँ हाँ, और हम पुरानी दुकानों से खरीद के बेचते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबा जी के पास बहुत सारे यहाँ पर सिक्के हैं जो कि बहुत पुराने, जो कि हमने आज तक देखे भी नहीं होंगे। ऐसे सिक्के आपको दिख जाएंगे जैसे यहाँ पर आप देखेंगे। तो बाबा जी ये सिक्का कौन सा है? आधा आना। ये आधा आना है, आप देखेंगे तो यार ये सिक्का ना आज तक मैंने नहीं देखा, सीरियसली पहली बार मैं देख रहा हूँ। ये आधा आना है, और ये बाबा जी ये सारा आधा आना है, ये सारा आधा आना है, ये एक आना है, ये एक आना है, और एक पैसा है। देख सकते हैं कि एक पैसा कैसे हुआ करता था उस टाइम पर। और साथ साथ में यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे अलग अलग आपको दिख जाएंगे, पांच पैसा है, और साथ साथ जैसे बाबा जी एक पैसा ये है, ये कितने का बिकता है? ये हम 10 रुपए का देते हैं। ये एक पैसा दोस्तों यहाँ पर आप 10 रुपए का ले सकते हैं। बेसिकली ये खरीदते हैं और उसके बाद उनको बेचते हैं, जो भी इनका 2-4-5 रुपए का प्रॉफिट होता है, फायदा होता है, उनको ले लेते हैं, क्योंकि ये भी दिन भर मेहनत करते हैं बैठे बैठे। तो जब भी आप आए यहाँ पर सिक्के खरीद के आप अपने पास भी रख सकते हैं, और मंदिरों में चढ़ावा भी चढ़ा सकते हैं ना बाबा जी? हाँ जी, यादगार के लिए भी रख सकते हैं। बिल्कुल, अरे बड़े बूढ़ों ने इन चीजों की कभी घर में पूरा खर्चा चला। जी 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 जी, हर चीज चली है। चलिए बाबा जी बहुत 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी आपका। अभी दोस्तों यहाँ से आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं, और यहाँ पर देखिएगा मोनी, ये क्या है? ये राम फल है, आप देख सकते हैं मोनी ने यहाँ पर राम फल लिया। छोटे छोटे दुकानें हैं और बहुत सारे दुकान है जिस साइड हम दूसरी साइड आए हैं। यहाँ पर आप बर्तन ले सकते हैं जो है, यहाँ पर पूजा के सामान ले सकते हैं, माला है बहुत सारी। और साथ साथ दोस्तों जब भी आप यहाँ पर आओ तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। और इस साइड हम आ चुके हैं पुल के दूसरे साइड, और यहाँ पर देखिएगा इस पुल से हम जो है क्रॉस करके आए थे, और यहाँ पर ये घाट है जहाँ पर लोग स्नान करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर देखिएगा पानी भरते हुए आपको नज़र आएंगे, और यहाँ पर जो है आपको ये देखिए, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो देखिएगा लोग यहाँ पर जो है पानी भर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जब भी आप आएँ तो यार एक बार आप अपनी फैमिली के साथ ज़रूर आएँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही सुंदर व्यू है, और यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे पुल आपको मिल जाएंगे देखने को, ये देख सकते हैं आप। और ये पूरा का पूरा पुल बना रखा है, और ये देखिएगा ये गंगा जी है, और यहाँ पर इस तरीके से लोग स्नान करते हैं। और ये मोनी है, मोनी तो मोनी पूरे मस्ती के मूड में है, और देख सकते हैं आप कि यहाँ पर अभी हम
पुल पर आ चुके हैं, पुल क्रॉस कर रहे हैं और ये देख सकते हैं कि यहाँ से हम जा रहे हैं साइड। और ये देखिए ये सुंदर व्यू है यहाँ पर हरिद्वार का, हर की पैड़ी का, देख सकते हैं बहुत ही सुंदर व्यू है और इतना साफ पानी है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हर की पैड़ी हरिद्वार, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों इसके अलावा हमने मनसा देवी पर भी ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के साथ। बाय बाय।